Now let's also get you live visuals of Nitish Kumar talking. He's addressing a press conference. Let's listen in to Bihar's CM. ना सिर्फ meeting में support किया है, लिखित भी किया, तो कोई आवश्यकता तो है नहीं symbolic presence की. और alliance जब होता है, तो alliance में एक proportional representation होना चाहिए हम लोगों की feeling. और आप जानते हैं इसके पहले भी केंद्र में सरकार रही है, अटल जी के नेतृत्व में या हम लोग बिहार में जो भी हमारा गठबंधन रहा है उसमें एक इस तरह की बात रहती है. तो जैसा हमने बताया, हमने पार्टी के सभी साथियों से बातचीत की, तो पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जो हमारे संगठन महासचिव हैं, सब लोगों से हमने बातचीत की. तो सब लोगों ने कहा कि भाई ये उचित नहीं है कि हम लोग सांकेतिक भागीदारी करें. अगर भागीदारी करना कोई जरूरी नहीं है, हम लोग तो साथ में हर हालत में साथ में. तो फिर उनको ये बात कम्युनिकेट किया गया. तो जब कम्युनिकेट किया गया तो फिर रात में इनके यहाँ के प्रभारी महासचिव हैं मेरे यहाँ आए. पहले तो दिन में ही बुला करके कम्युनिकेट कर दिया था. हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई थे और कम्युनिकेट किया गया. फिर रात में आकर के उन्होंने कहा. हमने कहा भाई सब लोगों ने तो यही बात कह दी है, तो ये बात ही है, इसको मान करके चलिए. और हम लोग तो साथ हैं, उसकी चिंता मत करिए कि हम लोगों को कोई अफसोस है, कोई परेशानी है, ऐसी कोई बात नहीं. हम लोग तो साथ हैं और मिलकर के, और बिहार में ही जो कुछ भी ये जीत हुई है, बिहार में हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, बिहार की के लिए ही, बिहार के हित में ही हम लोगों ने ये अलायंस किया है, ताकि बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, जो बिहार का पिछड़ापन है वो समाप्त हो. तो इसी के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है. तो उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं है. बिहार में हम लोग काम ही कर रहे हैं. केंद्र में सांकेतिक रूप से भागीदारी की हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है. हम लोग ऐसे ही आप लोगों के साथ फिर कह करके भेज दिया. उसके बाद फिर सुबह में फोन आया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का. तो फिर मैंने कहा कि कल ही हमने श्री भूपेंद्र जी को बता ही दिया है, तो वही बात. तो ये फाइनली हम लोगों ने कह दिया कि पार्टी के लोगों को और बताइए. हमने पार्टी के सब लोगों से बातचीत कर लिया और कोई अगर सहमत हो तब ना, और कोई आवश्यकता ही नहीं है सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन की. अगर सरकार में सरकार के तो समर्थन में है और बीजेपी को तो अपना पूर्ण बहुमत है, तो कोई अगर पार्टिसिपेट ऐसे भी करना हो तो, या अगर जिसको कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हो, तो एक बात होती है. और अगर ऐसा नहीं है तो सांकेतिक भागीदारी की जरूरत क्या है. हम लोग तो ऐसे ही साथ में, तो यही बात हुई. और क्या होना चाहिए प्रोपोर्शन, तो उनको डिसाइड करना था क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए था. बिहार का प्रोपोर्शन या देश का प्रोपोर्शन वो जो भी डिसाइड करते, उससे हम लोगों को तो कोई बात नहीं थी. प्रपोजल होता तब ना. ऐसा कुछ नहीं कि हमने कहा कि नहीं हमको इतना चाहिए. हमने एक शब्द भी नहीं कहा और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं. उनका प्रस्ताव था एक का, तो उस पर था कि ये तो एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक है कि हर की भागीदारी होगी. अरे भाई बिना सरकार में रहे भी तो साथ में, कोई आवश्यकता उसकी क्या है. पूर्ण बहुमत आने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी का रवैया गठबंधन धर्म के खिलाफ है, क्योंकि वो खुद से अकेले ऐसा 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 हम कुछ नहीं कहना चाहते. हम लोग साथ हैं. और आप जानते हैं कि बिहार में जो जिस तरह से कैंपेन हुआ है और जैसा पूरी बुलंदी के साथ हम लोगों ने कैंपेन किया, आप सब लोग जानते हैं. तो सब लोगों ने एक दूसरे का सहयोग भी किया है और हम लोगों ने भी जो काम किया सब पर चेहरा बनाया है. उसमें से चार जो है वो कैबिनेट में, इस कैबिनेट में अति पिछड़ी जाति का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ. जो पांच मंत्री बने उसमें से चार अपर कास्ट के हैं, एक नित्यानंद राय जी. इस सोशल कॉम्पोजिशन को आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस सामाजिक समीकरण को कैसे देखा. नहीं देखिए ना, हम उनके सरकार के गठन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहते. ये उनका अपना निर्णय है. हम लोगों की भागीदारी के बारे में चाहते थे तो जैसा हमने कहा, सिर्फ सांकेतिक भागीदारी का तो कोई मतलब नहीं है. हम तो जब भी कोई भागीदारी होती, और अब तो खैर उसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है कि बिहार जैसे राज्य में आपने इतने लोगों को बना दिया, तो आपके अंदर ही एक्का दुक्का और होंगे जिसको कभी बनाइएगा, जो कुछ भी करिएगा, ये तो उनका निर्णय. हम लोगों के लिए तो कोई इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं. और जो आप कह रहे हैं यह उनका अंदरूनी फैसला. और जहां तक सवाल है समाज के गरीब गुरबा तबकों का, जिसके लिए हम लोगों ने बिहार में सेवा की है, और वो प्रारंभ से ही जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ, वो बोलते नहीं,
एक होता है कुछ तबका वोकल होता है और उसी को लोग ध्यान में देते हैं और उसी के आधार पर एनालिसिस करते हैं और हम लोगों के साथ जो है वो इस तरह से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आप देखते हैं पूरी मजबूती के साथ और जरा सा देख लीजिए, कोई फोटोग्राफ देख लीजिएगा कि कितना टेम्परेचर है और कौन लोग खड़ा होकर के वोट कर रहे हैं। तो जिस मजबूती के साथ हम लोगों के साथ जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, जाति पिछड़े वर्ग के लोग हों, महादलित समुदाय के लोग हों, ये सब लोगों का जो भागीदारी है, महिलाओं का, इस तरह से समाज के कमजोर तबके के लोगों का तो भागीदारी है और उसके लिए हम लोगों की हमारी प्रतिबद्धता है। हम सब दिन से करते रहे, ये बात हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हम अलायंस में हैं, हम उनके समर्थन में हैं और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत है तो यह उनका निर्णय होता है कि उनके किनको वो मंत्री बनाएंगे, ये उनका अपना निर्णय। उस मामले में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारी पार्टी की राय कोई सांकेतिक भागीदारी की नहीं थी, कि बिना सांकेतिक भागीदारी के हम लोग पूरी मजबूती के साथ साथ रहेंगे। सांकेतिक भागीदारी की आवश्यकता नहीं। और आज से सब लोगों को हम बता देंगे ये नंबर की बात, ये सब बेकार बात है। आज भी हम सुबह भी वहाँ अखबार देखे और रास्ते में भी प्लेन में भी कई अखबार देख रहे थे, आवश्यक बात है। बिहार में सरकार इसका तो प्रश्न ही नहीं है। पूरे डेलीबरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आपको कोई प्रस्ताव आया है? केवल अमित शाह जी या भूपेंद्र यादव जी बात करते रहे? नहीं, अब अमित शाह जी और जब बात करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, जो हम वहां गए थे तो उसमें भूपेंद्र यादव जी उनके साथ बैठे हुए थे और जब हमने सब लोगों से बातचीत कर लिया तो भूपेंद्र जी को बुला के कहा कि भाई कम्युनिकेट कर दे, तो उनको कम्युनिकेट कर दिया था बुला करके। फिर रात में हो सकता है उनको लोगों ने कहा होगा कि फिर जाओ, फिर आकर के वही बात बोल रहे थे। आगे आप देखिए, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये हम लोग उनके साथ हैं, बिना मंत्रिमंडल में गए साथ हैं, ये जो कुछ भी होता है शुरू में होता है। बिहार में इसके बाद फिर मंत्रिमंडल में शामिल होइए तो लोग कहेगा कि ये नाराज थे और इनको इतना चाहिए था, अब मिल रहा है तब जा रहे, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। बिहार में कोई आगे भी हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, क्या जरूरत है? उनकी अपनी इतनी बड़ी संख्या है और हम लोग सब साथ दे रहे हैं, तो आगे भी क्या आवश्यकता है? इसलिए ये क्योंकि आगे की बात आप पूछ रहे हैं, कहेंगे तो लोग यही कहेंगे। So that was Bihar CM expressing his opinion that he is very much with the BJP and that they do not wish to be a part of the Council of Ministers, even though there were expectations being shelved from his party. But it was a dismal one minister being chosen from Nitish Kumar's party. But now let's bring you other stories on post-swearing-in ceremony. PM Modi has had a packed schedule today. Prime Minister Modi is holding separate bilateral meetings in New Delhi. A short while back, Prime Minister Modi met Sri Lankan President Maithripala Sirisena. The leaders noted that terrorism and extremism continue to pose threat to humanity and committed to closer bilateral cooperation for peace and security in South Asia and the Indian Ocean region. Prime Minister Modi then held a meeting with Prime Minister of Mauritius, Praveen Kumar Jugnauth. Both leaders agreed to work together to achieve the shared vision of security and growth of the two countries. Prime Minister Modi will be making his first neighbourhood visit to Sri Lanka and Maldives next week in June. Prime Minister Modi also held a bilateral meeting with Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli. Last year, Prime Minister Modi had visited Nepal for the fourth BIMSTEC summit. In 2016, India had called leaders of BIMSTEC countries for a meeting in Goa during the BRICS meet. Next will also be a meeting with Bhutan Prime Minister Lotte Shering shortly. Yesterday, India had invited the leaders of the BIMSTEC grouping for the oath-taking ceremony of Narendra Modi as part of its Neighbourhood First and Act East policies. Now, Prime Minister Modi's first bilateral after being sworn was with Kyrgyz President Sooronbay Jeenbekov. Kyrgyzstan is the chair of the Shanghai Cooperation Organization and Prime Minister Modi will be visiting the country the second week of June for the SEO summit. Thank you.